नमस्कार दोस्तों, न्यूज नजर में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, भारत चमत्कारों का देश है। यहाँ के मंदिरों में होने वाले चमत्कार अक्सर चर्चा में रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कार के बारे में बताते हैं। इस वीडियो में आप मंदिर में लगी आग को देख रहे होंगे। यहाँ माता रानी का दरबार जल रहा है। श्रद्धालु इसे दुर्घटना नहीं बल्कि चमत्कार मानकर जय जयकार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि आग स्वयं माता जी ने लगाई है और वह इसमें अग्नि स्नान कर रही है। इस अग्नि में माता जी को चढ़ाई गई चुनरिया और अन्य श्रृंगार सामग्री जलकर राख हो जाती है, मगर माता की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जब भी माता जी खुश होती हैं तो वह इसी तरह अग्नि स्नान करती हैं। यह चमत्कारी मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना है। जाना माता का यह मंदिर अग्नि स्नान के लिए मशहूर है। साथ ही मान्यता है कि इस मंदिर परिसर में रात गुजारने के बाद लकवा रोगी ठीक हो जाते हैं। माता का यह दरबार एक खुले चौक में स्थित है। इसके चार ओर कमेटी के कार्यालय, धर्मशाला आदि बन गए हैं। यहाँ रोजाना दूर दराज से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था। जाना माता कई राज परिवारों की कुलदेवी भी रही हैं। मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक इडाना माता ने सोमवार यानी 28 मार्च को एक बार फिर अग्नि स्नान किया है। सुबह करीब 11:30 बजे अचानक मंदिर में प्रतिमा के समीप अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नि स्नान की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों से सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। करीब 15 मिनट तक माता का अग्नि स्नान चलता रहा। मान्यता है कि मेवल की महारानी के नाम से प्रसिद्ध इडाना माता समय समय पर अग्नि स्नान करती रहती हैं। नेवल क्षेत्र में करीब 52 गांव आते हैं। इनमें से इडाना गांव भी एक है जहां माता का मंदिर बना है। खास बात यह भी है कि इस स्नान का कोई समय तिथि फिक्स नहीं है। माता के अग्नि स्नान के दर्शन करने वाले भक्त अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। माता जी अग्नि स्नान करती है तो सारा श्रृंगार जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन माता जी की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। अग्नि स्नान थमने के बाद माता जी को नया श्रृंगार कराया जाता है। इस स्नान को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन इसका समय फिक्स होने के कारण उन्हें यह दर्शन लाभ नहीं मिल पाता। जब माता जी की मर्जी होती है तभी वह अग्नि स्नान करती हैं, और जो कोई यह देख लेता है वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। बताया जाता है कि प्रतिमा के अग्नि स्नान करने के कारण ही अब तक यहाँ पक्का मंदिर नहीं बन पाया है। इस साल सन 2022 में माता जी ने पहली बार अग्नि स्नान किया है। इससे पहले माँ इडाना ने 9 मार्च 2021 की शाम को 4 बजे अग्नि स्नान किया था। इसके 5 दिन बाद ही 14 मार्च 2021 को भी अग्नि स्नान हुआ था। करीब 12 महीने से ज़्यादा वक्त के बाद अब इस बार यह अग्नि स्नान हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सन 2020 में एक बार भी अग्नि स्नान नहीं हुआ था। उससे पहले 2019 में 2 बार अग्नि स्नान हुआ था। तो दोस्तों, प्रतिमा के आसपास आग कैसे लगती है यह किसी को नहीं पता। इस आग में माता रानी का पूरा श्रृंगार जलकर राख हो जाता है, लेकिन प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्यों? इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। सभी इसे माता रानी का चमत्कार मानते हैं और इसे अग्नि स्नान की संज्ञा देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अन्य भक्तों में भी शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय माता रानी की।